नमस्कार, मैं रंजना सैनी और आप देख रहे हैं बिजनौर एक्सप्रेस। खबर आज बिजनौर के क्षेत्र नेटवर्क से। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के महासचिव कैलाश लांबा को पुलिस ने किया उन्हीं के घर पर नजर बंद। बिजनौर के नेटवर में राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के महासचिव कैलाश लांबा दिल्ली के लिए रवाना हो रहे थे। पुलिस ने उन्हें उन्हीं के आवास पर किया नजर बंद। कैलाश लांबा ने बताया कि पुलिस ने रात 12 बजे से नजर बंद कर रखा है और उन्होंने कहा कि किसान किसी भी कीमत पर रुकने वाले नहीं है, या तो हम दिल्ली जाएंगे या जेल जाएंगे। कुछ देर बाद कैलाश लांबा भारी पुलिस बल को चकमा देकर फरार हो गए, लेकिन किसी को पता नहीं कैलाश लांबा किस चीज से पुलिस को चकमा देकर निकल गए। मौके पर धामपुर सीओ भी पहुंचे। नेटवर्क से मोहम्मद फैजान की रिपोर्ट। रात 12 बजे से मुझे नजर बंद कर रखा है। पहले कर्मगामली में था मैं रात अपने निजी आवास पर, उसे हल्दौर इंस्पेक्टर और नेटवर्क इंस्पेक्टर यहाँ ले आए, यहाँ रोक रखा और सुबह से फोर्स बढ़ानी शुरू कर दी। इनका मकसद ये है कि किसान की आवाज़ को दबाया जाए, लेकिन ये मैं समझता हूँ महा बेवकूफ़ी कर रहे हैं। किसान की आवाज़ आज तक कुछ दबा नहीं पाया। जिस सरकार ने, जिस प्रशासन ने दबाने की कोशिश करी है, उसे मुँह की खानी पड़ी और इस बार भी यही होने वाला है। किसान दिल्ली जागा रहेगा। तो इसमें जो है अगला आपका क्या रास्ता होगा, किस तरह से अब जैसे आपने यहाँ पर नज़रबंद किया है, तो उसके लिए आप अगली क्या किस तरह की बात रखते हैं, क्या करें? अभी हमारे साथी लोग यहाँ पहुँचने वाले हैं, भारी संख्या में किसान पहुँचने वाला है और उनके आते ही हम इससे कहेंगे कि या तो हमें जेल ले चलो या फिर हम दिल्ली जा रहे हैं, तुम रोक नहीं सकते, रोक कर दिखाओ, हम फिर जो है जाएंगे चाहे परिणाम कुछ भी हो जाए। बिजनौर की सभी ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को बेल आइकन पर क्लिक कर सब्सक्राइब करें।